स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान के इस मायाजाल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि पर मॉड्यूल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है यह एक प्रोसेस है। किस चीज का? तो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों का जानने का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करते हैं। तो मूल्यांकन करने का अर्थ व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से है, याद रखेंगे आप लोग। यानी कि असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। लोगों के मनोवैज्ञानिक गुणों का जानने के लिए सबसे जो पहला जो स्टेप होता है वो आपका मूल्यांकन ही होता है, और इसी के द्वारा हम लोग जानते हैं कितनी इंटेलिजेंसी है लोग में, क्या कैसे मतलब व्यक्ति का क्या गुण है, कैसा है। और ये आपके दो प्रकार से किए जाते हैं दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक होता है आपका फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल। मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, चैप्टर 1 है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पा सकते हैं। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, कौशल को परिभाषित कीजिए। कौशल क्या है, यानी स्किल्स, व्हाट इज स्किल्स या डिफाइन स्किल्स, यही क्वेश्चन है आपका। तो ठीक तरह से काम करना, योग्यता, समर्थता, विवेकपूर्ण काम करना, अपना काम निकालना दिमाग से सही तरीके से, उसी को हम लोग कौशल कहते हैं जनरल भाषा में बात किया जाए। तो कह रहा है यहाँ पे, कौशल पद प्रवीणता, दक्षता या निपुणता, निपुणता दक्षता समझ रहे हैं आप लोग, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका अर्जन या विकास प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। प्रशिक्षण कहने का मतलब हुआ आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, एक ट्रेनिंग। तो कौशल का जो होता है विकास होता है वो प्रशिक्षण के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौशल किसे कहते हैं, यानी सिंपल शब्द में समझिए कि ठीक तरह से काम करने की योग्यता एक क्या कहलाती है, कौशल कहलाती है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारे अंदर ऐसा स्किल्स है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसी को कहते हैं कौशल, याद रखेंगे आप लोग। बहुत तरह के कौशल आपको देखने को मिलेंगे, परामर्श कौशल जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, प्रेक्षण कौशल, तो देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने कौशलों के किन तीन समुच्चयों की संस्तुति की है। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने कौशलों के निम्नलिखित तीन समूहों की संस्तुति की है। पहला जो आपका है व्यक्तिगत भिन्नताओं का मूल्यांकन, सेकंड आपका है व्यवहार परिष्करण कौशल, और थर्ड है आपका परामर्श एवं निर्देशन कौशल। और दोस्त ये आपके लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, परामर्श कौशल 2019 के एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चन बैंक देखा था, तो 2019 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि परामर्श कौशल से आप क्या समझते हैं। तो चूंकि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉड्यूल टाइप क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, परामर्श कौशल क्या है। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए थे ऑलरेडी क्योंकि बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो परामर्श कौशल क्या है, परामर्श करने का मतलब होता है कंसल्ट करना, जैसे एक तरह से आप कह सकते हो कि सलाह मतलब कि जैसे इसमें दो दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक परामर्शदाता होंगे और एक परामर्श ग्रहण करने वाला होगा। वैसे तो परामर्श का अर्थ भी होता है पूछताछ करना, परामर्श का अर्थ होता है तर्क वितर्क करना, परामर्श का अर्थ होता है अपना जो मतलब कि एक तरह से सलाह लेना, एडवाइस, जिसे आप लोग विचार विमर्श भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। तो परामर्श कौशल यानी कंसल्टिंग स्किल क्या होता है, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी परामर्श होता है तो दो व्यक्तियों का संबंध इसमें रहेगा ही रहेगा, एक परामर्शदाता रहेगा और एक परामर्श प्रार्थी रहेगा। तो परामर्श प्रार्थी की कुछ समस्याएं तथा आवश्यकताएं होती हैं जिनको वह अकेला बिना किसी राय या सुझाव को पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर परामर्श कौशल की बात की गई है। तो कहता है यहाँ पे हमारा आंसर कि परामर्श कौशल से तात्पर्य ऐसी क्षमताओं से होता है जिसके होने से परामर्शदाता परामर्श ग्रहण करने वालों की समस्याओं के बारे में ठीक ढंग से अवगत होकर उसका समाधान करने की उचित राय देते हैं। समझिए, परामर्श कौशल से तात्पर्य ऐसी क्षमताओं से होता है जिसके होने से परामर्शदाता परामर्श ग्रहण करने वालों की समस्याओं के बारे में ठीक ढंग से अवगत होकर उसका समाधान करने की उचित राय देते हैं। मैंने आपको क्या बताया शुरू में, यही कि कंसल्ट करना यानी परामर्श देना।
इससे लाभान्वित होकर वह अपने भविष्य को ठीक ढंग से सुनियोजित कर लेता है। सुनियोजित करने मतलब सु मतलब शुरू से, नियोजित मतलब नया कर लेना। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका आंसर आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर जिस भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर क्लियर ना हो तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। मैं उसको अगले वीडियो में जब मैं सब्जेक्टिव की वीडियोस बनाऊंगा उसमें फिर से मैं इस क्वेश्चन को वहां पर मैं आपको डील करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, प्रेक्षण कौशल क्या है। चूंकि अभी हम लोग अभी आपसे मेरी पूरी तरह से बात नहीं हो पा रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा नीचे कमेंट में कमेंट करते जाइएगा। मैं अगले वीडियो में आपके सारी प्रॉब्लम सारी समस्याओं का समाधान करते चलूंगा। आप लोग हेल्प कीजिएगा तभी जाकर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। प्रेक्षण कौशल क्या है। अब यहाँ पर प्रेक्षण कौशल यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब समझते होगे आप लोग, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व यानी कि प्रेक्षण करना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर हम लोग ऑब्जर्व करते क्या है। देखिए क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परिवेश में क्या होता है, मनोविज्ञान के परिवेश में घटनाएं होती हैं या व्यक्ति दोनों आते हैं, घटनाएं भी आती हैं और व्यक्ति भी आते हैं। तो वही घटनाओं को क्या करते हैं, जो व्यक्ति होता है वो ऑब्जर्व करता है, प्रेक्षण करता है। तो यहाँ हमारा आंसर कहता है कि प्रेक्षण कौशल से तात्पर्य सूचनाओं को देख कर समझने से है, ठीक है। मतलब कि तात्पर्य सूचनाओं को देखकर समझने से, यानी जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है उसको देखकर समझने से है प्रेक्षण कौशल का संबंध। कोई मनोवैज्ञानिक चाहे वह शोध कर रहा हो या क्षेत्र में व्यवसाय कर रहा हो, वह ज्यादातर समय सावधानी पूर्वक सुनने, ध्यान देने और प्रेक्षण करने का कार्य करता है। प्रेक्षण करना मतलब ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व मतलब प्राप्त करना, निरीक्षण करना, समझ सकते हो आप। वह अपनी समस्त संवेदनाओं का उपयोग देखने, सुनने, स्वाद लेने, स्पर्श करने या सूंघने में करता है। इसी को कहते हैं प्रेक्षण कौशल। आखिर उसके पास इस तरह का स्किल्स होगा, ऑब्जर्व करने का स्किल्स होगा तब न जाकर वो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। तो इसीलिए इसी को कहते हैं हम लोग प्रेक्षण कौशल। इसमें क्या होते हैं, मनोविज्ञान के परिवेश में दो घटनाएं होती है, एक घटनाएं होती है तथा एक व्यक्ति दोनों आते हैं और सबसे पहले मनोवैज्ञानिक के निरीक्षण की सूची उनका अपने चारों ओर वातावरण आता है, वातावरण के द्वारा वो लोग निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण के उपरांत जो वो पाते हैं क्या मतलब इधर की स्थिति है अपने वातावरण में देखते हैं, आसपास के माहौल को देखते हैं। वातावरण का मतलब आप लोग समझते हो आसपास के माहौल। तो आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनको देखकर वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब क्या इसका गुण है, कि कैसा ये बिहेव करेगा। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारे आसपास में क्या होती है, फर्श का रंग हो गया, खिड़कियों की बनावट हो गई, हम लोग ही देखते हैं तो ये सब हमारे मानव व्यवहार पर क्या होता है, तो असर डालता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण कौशल। और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इन सभी चीजों का एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, अपने खाता बही में नोट कर लेते हैं। तो आप लोग ये सब ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6। अगर आप पहले से आंसर याद कर लिए हैं अच्छे खासे आंसर तो आप यहाँ पर केवल क्वेश्चन को देखिए, अगर नहीं याद किए हैं तो आप यहाँ से मेरी क्वेश्चन आंसर को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आंसर बहुत सटीक है और मैं ज्यादा आप लोग को समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 हमारा, निर्धनता को परिभाषित करें, पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी को डिफाइन करना है। जो बच्चे अभी जिनके पास मोबाइल खरीदने के लिए अपने मम्मी पापा से जिद कर रहे होंगे, तो हो सकता है किसी के पास तो पैसा भी रहता है और नहीं भी खरीदते हैं उनके मम्मी पापा, लेकिन मतलब कुछ ऐसे माहौल होते हैं जहां पर नहीं भी खरीदा पाता है। यानी सिंपल शब्द में कहिए कि एक ऐसी दशा जिसमें आवश्यकता वस्तुओं, जैसे हमारा मेन आवश्यकता क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि भोजन वस्त्र एवं आवास का अभाव पाया जाता है ना। तो जिनके पास घर है या जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो समझिए कि निर्धन है, निर्धन मतलब गरीब है। तो आप समझिए कि मानव समुदाय की एक ऐसी दशा जिसमें आवश्यक वस्तुएं जैसे आपके हो गए भोजन वस्त्र एवं आवास का अभाव पाया जाता है उसे निर्धनता कहा जाता है, यानी गरीबी कहा जाता है। और निर्धनता का प्रमुखता आर्थिक अर्थ में ही परिभाषित करते हैं। बिल्कुल, निर्धन का मतलब आर्थिक रूप से, आर्थिक यानी पैसे की तंगी से ही हुआ, यानी अगर पैसा रहेगा तो भोजन भी हम लोग खरीद सकते हैं, पैसा रहेगा तो कपड़े भी खरीद सकते हैं और आवास भी खरीद सकते हैं, आवास मतलब रहने के लिए जगह। तो निर्धनता को परिभाषित करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखोगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7, काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हो, सिंपल है, समझ सकते हैं अच्छे से। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आप बताइए पर्यावरण से आप क्या समझते हो।
पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारी आसपास जितने भी उपस्थित चीजें होती है उन्हें हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और इसी में एक शब्द आ गया प्राकृतिक पर्यावरण, 1 मिनट, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। तो प्राकृतिक कह दिया तो हम लोग सिंपल सा टर्म जानते हैं, प्राकृतिक कहने का मतलब होता है कि जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया, यानी मानव ने नहीं बनाया, उसे हम लोग प्राकृतिक का नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हमारा यही है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो हमारे आसपास में उपस्थित सारी चीजें जो होती है उसे हम लोग तो पर्यावरण कहते हैं, लेकिन जिसको मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, यानी कि नेचर ने उसे बनाया है, उस वस्तु की देख रेख की प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है, उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे आपके जल हो गया, पानी हो गया, प्रकाश हो गया। अब समुद्र में पानी भरा हुआ है, नदी में पानी भरा हुआ है, आहार में पानी भरा हुआ है, हम लोग उसे सेव करने जाते हैं, उसकी देख क्या करती है, खुद प्रकृति करती है। प्रकृति ने ही उसे दिया है, प्रकृति ने ही उसे बनाया है, और प्रकृति ही उसकी देख रेख भी कर रही है। तो इस तरह जितने भी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, क्योंकि आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती है उसे कहते हैं पर्यावरण, लेकिन जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे जल, प्रकाश, हवा, मिट्टी इत्यादि। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, समूह को परिभाषित कीजिए। भैया ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं व्हाट्सएप के बारे में, बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप इससे समझिए, हमें तो कह रहा है बिल्कुल समूह के बारे में, तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो क्या हुआ, इसका पार्ट हुआ। समूह क्या होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था। हमारे ग्रुप में ही बहुत से मतलब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था, संगठित करने का मतलब वो आपस में क्लोजली एक तरह से मिला हुआ, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है, सदस्यों के बीच निर्धारित भूमि का संबंध होता है, और सदस्यों के व्यवहार में नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि समूह को परिभाषित कीजिए। तो समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था है, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं। तो आप याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, तो उसमें भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारा, और याद रखिएगा, समूह के कुछ दोस्त भी होते हैं, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, मैं उस क्वेश्चन को भी आपके वीडियोज में लाऊंगा। क्वेश्चन 9 है हमारा, समूह और भीड़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका मैंने आंसर यहीं पे लिख दिया है। समूह के बारे में तो आप जान चुके हो कि समूह क्या होता है, ठीक है, समूह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है यहाँ से कि समूह क्या होता है, समूह को परिभाषा आप लोग जान लिए। तो अब मेन हम लोग जानेंगे भीड़ क्या होता है। समूह का मतलब होगा कि दो व्यक्तियों की एक संगठित, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था। लेकिन भीड़ क्या होता है, भीड़ भी व्यक्तियों का एक समूह या एकत्रीकरण है। बिल्कुल, समूह भी है तो व्यक्तियों का एकत्रीकरण है, लेकिन भीड़ भी जो है व्यक्ति का एकत्रीकरण है, लेकिन जिसमें लोग एक स्थान या स्थिति में संयोग वश उपस्थित रहते हैं। संयोग वश कहने का मतलब हुआ कि भगवान भरोसे संयोग वश उपस्थित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई व्यक्ति सड़क पर कहीं जा रहा है और कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो जाते हैं। यह भीड़ का एक उदाहरण है। इसे हम लोग समूह नहीं कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, भीड़ कहेंगे। कहा जाता है कि मेला लगता है, बहुत ज्यादा क्या होते हैं लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, तो उसे हम लोग भीड़ कहते हैं। क्योंकि भीड़ की ना तो कोई अपनी स्ट्रक्चर होती है, ना ही इसकी कोई आत्मीयता की भावना होती है। अब कौन है वहां पे, आपको कौन जान रहा है भीड़ में, तो ना तो आत्मीयता की भावना होती है, और भीड़ में लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है। मतलब जो होगा, मतलब अगर एक का विचार कुछ और है तो एक का विचार कुछ और है, अविवेकी होता है, कोई विवेकपूर्ण कार्य नहीं होता है। और सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता भी नहीं होती है, एक दूसरे से लोग इंडिपेंडेंट भी नहीं रहते हैं, सब लोग अपने आप में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो आप लोग यहाँ से ये सब टर्म्स को याद रखोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 10 है हमारा, समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारणों को लिखें। और हाँ, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या आप जनरली टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा, एकदम सिंपल सा है, सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे। समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारकों को लिखें। समूह संघर्ष के मनोवैज्ञानिक कारण निम्नलिखित है। पहला है, एक पक्ष में दूसरे पक्ष से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना।
एक पक्ष के दूसरे पक्ष से अधिक जागरूक होने की भावना अब नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा न करने लगते हैं हम लोग, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। हमारे ही ग्रुप में होकर उसका मार्क्स इतना आ गया, और हमारे ही साथ पढ़ने वाला था उसका मार्क्स इतना आ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सिंपल टर्म्स में, एक समूह के द्वारा पूर्व में की गई किसी क्षति का बदला लेने की भावना। हाँ, पूर्व में अगर कोई कार्य कर दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप ग्रुप बनाए हुए हो और एक दिन आपका कोई बाइक ले जाता है और उसमें कुछ मतलब तोड़ तोड़ फोड़ करता है जानबूझकर, या आपको लगता है कि जानबूझकर, तो आप भी सोचिएगा कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा किसी चीज में उसके यहाँ, तो आप उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी समूह का ये एक तरह से क्या है, तो आप कहते हैं कि इसका एक संघर्ष का कारण है, समूह में संघर्ष करने की ये सब कारक है, या समूह का ये सब डिमेरिट भी है। आप ये भी याद रखोगे, समूह का अगर डिमेरिट भी लिखने को आएगा तो आप ये लिखेंगे, संप्रेषण की कमी की वजह से दोनों पक्षों में मध्य विश्वास का अभाव होने के कारण समूह संघर्ष होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी क्वेश्चंस का मतलब आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में, मेरी बातों को नहीं समझ में आती, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आगे भी वीडियो आनी चाहिए, तो जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।